निंदन्तु नीति निपुण यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी सदा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणस्तु युगान्तरे वा न्यायत्पथ प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। नीति शास्त्र में निपुण लोग निंदा करे अथवा स्तुति करे, लक्ष्मी गृह में प्रवेश करे अथवा कहीं चली जाए, आज मरण आए अथवा युगांतर में आए, कोई भी परिस्थिति हो, ऐसी स्थिति में धीर पुरुष न्याय मार्ग छोड़ के अन्यत्र कहीं नहीं जाता, वह संस्कार संघ से मिलते हैं। अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, सब परिस्थिति में समृद्धि, समर्पण भाव, सामाजिक समरसता का ज्ञान संघ परिवार में मिलता है। यह युद्ध की भूमि नहीं है, यह बुद्ध की भूमि है, यह प्रभु राम चंद्र की भूमि है। प्रभु रामचंद्र का आदर्श इस संस्कृति ने हमें दिया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परि वचन न जाए। पितृवचन का पालन करने के लिए राज्य का त्याग हम कर सकते हैं, यह आदर्श हमें भगवान प्रभु रामचंद्र के चरित्र से मिलता है। एक बार हम संभाजीनगर में रेलवे स्टेशन के पास रुके थे, एक माताजी हमारे पास आई और उन्होंने कहा, रोने लगी, महाराज जी बहुत भूख लगी है, कुछ 10-20 रुपए दीजिए, मैं नाश्ता कर लूंगी। मैंने उस माँ की ओर देखा, उनका रहन सहन अच्छा था, ठीक था। मुझे ऐसा लगा ये माँ कोई परेशानी में हो सकती है, क्योंकि भिखारी तो ये नहीं हो सकती। उस माँ से मैंने पूछा, माँ नाश्ता के भोजन की बात नहीं है, आपको मैं भोजन कराता हूँ, परंतु ये परिस्थिति आप पर कैसे निर्माण हुई, आपको कोई है या नहीं है? और रोने लगे। उन्होंने कहा, महाराज मुझे 2 पुत्र है, 1 पुत्र डॉक्टर है और दूसरे पुत्र प्राध्यापक स्कूल टीचर है। बहुत दुख हुआ मुझे, 1 पुत्र डॉक्टर और 1 स्कूल टीचर होते हुए भी रेलवे स्टेशन पर वह माँ भीख मांग रही है, जिस माँ ने हमें गोद में पाला है, बचपन से बड़ा किया है, संस्कार दिए है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम संस्कृति से दूर जा रहे हैं, कृष्ण हमारे आदर्श। महाभारत का एक प्रसंग है, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा में सोते हुए मार दिया, उनका चिरच्छेद किया, अर्जुन ने पकड़ के अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने उपस्थित किया और द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी आपके पुत्र का उन्होंने अन्याय किया है, आपके पुत्र को मारा है, आपका उन्होंने अपराध किया है, आप कहो जो शिक्षा मैं उनको देना चाहता हूं। मां द्रौपदी ने कहा, उनको छोड़ दो, उनको मारो मत। उस समय भीम ने कहा, अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों की हत्या जिस अश्वत्थामा ने की है, आप कह रहे हो उनको मत मारो, उसका कारण क्या? द्रौपदी ने कहा, मां का हृदय मैं जानती हूं, मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई है, अश्वत्थामा ने की है, अश्वत्थामा अपराधी है, वो दंड के लिए पात्र है, लेकिन दंड के अनेक मार्ग भी तो होते हैं, आप उनको क्यों बचा रही हो? तो मां द्रौपदी ने कहा, एक माता को खुश करने के लिए दूसरी माता को आप दुख मत दीजिए। द्रोणाचार्य की मृत्यु हुए 3 दिन हो चुके थे, अश्वत्थामा की माँ अपने पति के मृत्यु के कारण रो रही है और उनका एक आधार है पुत्र, यदि आप उस पुत्र को मारेंगे तो विधवा माँ कहा जाएंगे, उस विधवा माँ के लिए उनको छोड़ दो, और कहीं भी दूसरे तरीके से आप उनको दंड दे सकते हो। माँ का हृदय माँ जानती है, जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या जिस अश्वत्थामा ने की, माँ द्रौपदी उसके माँ का विचार कर रहे हैं। यह संस्कृति, यह संस्कार केवल हिंदू धर्म में ही हो सकते हैं और यह भारत वर्ष में ही हो सकते हैं, विश्व में और कहीं नहीं। महाराज सिकंदर एक संत का दर्शन करते हैं, वो संत अपने अवस्था में स्थिति में थे, चिंता शून्य मदेन्द्र भक्षमशनम पानम सरिद्वारिषु स्वातंत्रे निरंकुश स्थितिर्भिर निद्रा श्मशाने वने वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम दिग्वासुशय्यामही संचारो निगमांत विचिदाम क्रीडाम परे ब्रह्मणे ब्रह्म स्वरूप में क्रीड़ा करने वाले एक महात्मा चिंता शून्य अवस्था में नग्न अवस्था में उस महात्मा से सिकंदर मिले और सिकंदर ने उनको पूछा, महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, आप दरिद्र मुझे क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, दरिद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा, दरिद्रस्तु असंतुष्टो, जो जीवन में असंतुष्ट है वो दरिद्र है। सिकंदर को दरिद्र कहने का सामर्थ्य रखने वाले हमारे संत महापुरुष,